राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आज नागपुर शहर में होने जा रही G20 बैठक के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया गया, जिसके बाद पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा गया कि G20 को लेकर प्रशासन की ओर से काफी अच्छी तैयारियां प्रशासन ने की है और इसे की गई है, साथ ही लोक प्रतिनिधियों का भी सहकार्य इसमें था, जिस कारण आने वाले लोगों को नागपुर का वैभव देखने को मिलेगा। फडणवीस ने प्रशासन का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी तैयारियां शहर में की गई है, जिसमें लोक प्रतिनिधियों ने काफी मेहनत भी की है, जिस कारण आने वाले प्रतिनिधियों को नागपुर के वैभव इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा। इसी के साथ ही प्रतिनिधियों का स्वागत भी यहां गर्म जोशी के साथ किया जाएगा। G20 की बैठक के लिए जो प्रतिनिधि नागपुर में आएंगे वो यहां की संस्कृति और वैभव का उदाहरण अपने अपने शहर ले जाएंगे। का एक C20 एंगेजमेंट जो नागपुर में हो रहा है, हम सभी लोग बहुत बड़े पैमाने पर उत्साहित है। नागपुर का चेहरा बदला है, नागपुर पूरे तरीके से आने वाले डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है और यहाँ के प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे पहले महाराष्ट्र में मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे में तीनों जगह जो मीटिंग्स हुई है उसकी एक बहुत अच्छी चर्चा देश में और विदेशों में गई है, तो उसी प्रकार की चर्चा नागपुर से भी जाए और नागपुर के लोगों का भी इसमें हमने इन्वॉल्वमेंट बड़े पैमाने पर लिया है। स्टूडेंट्स है, बच्चे, सबका इन्वॉल्वमेंट लिया है, हमारे आदिवासियों ने भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मीटिंग यहाँ पर होगा। NBC News के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।